रायपुर से खबर मिल रही है जहां जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में चीनी कंपनियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय दलों के संरक्षण में प्रदेश चीन का गुलाम बन रहा है। छत्तीसगढ़ में चीनी कंपनी की भागीदारी है। छत्तीसगढ़ का पैसा चीन की सेना तक पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। भारत में स्टील, सीमेंट और पावर के क्षेत्र में चीनी कंपनी काम कर रही है। फंड मॉरिशियस लिमिटेड ट्री लाइन एशिया मास्टर फंड मैक्वेरी इमर्जिंग मार्केट्स एशियन ट्रेडिंग लिमिटेड ट्विन स्टार होल्डिंग यूरो पैसिफिक ग्रोथ और ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट फंड्स, ये इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से क्रमशः चीनी कंपनियों ने चीनी आर्मी से जुड़ी कंपनियों ने मोनेट, गोदावरी, स्टरलाइट, वेदांता, अल्ट्राटेक, लफार्ज होल्सिम में बैडू कंपनी, अलीबाबा कंपनी, टेंसेंट कंपनी, जिंगजिंग कैथे कंपनी और डीडी जूसिंग कंपनी, जो चीनी आर्मी पीएलए से जुड़ी हुई हैं, इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में इन कंपनियों में, जिनका मैंने नाम अभी बताया है, में $1 बिलियन लगभग 80,000 करोड़ का न केवल निवेश किया है, निवेश करते तो बहुत अच्छी बात थी, पर ऐसा करके उन्होंने इन भारतीय कंपनियों के कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में वोटिंग राइट्स भी हासिल कर ली है और इस प्रकार उन पर अपना नियंत्रण भी काबिज कर लिया है। जिस प्रकार दुनिया को हिला देने वाली पनामा पेपर्स लीक कांड के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े थे और करोड़ों रुपया काला धन को कथित तौर पर विदेशी खातों में जमा किया गया था, उससे हजारों लाखों गुना ज्यादा धन चीनी कंपनियां और उनके भारतीय पार्टनर्स छत्तीसगढ़ से लूटकर चीनी आर्मी के खातों में जमा कर रहे हैं, जिसका उपयोग चीन भारत के विरुद्ध लगातार कर रहा है। मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि इस नेक्सस को रोकना, इस पर लगाम लगाना हमारा परम धर्म होना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार दोनों को सीमा में हमारे बहादुर जवानों की शहादत का सम्मान करते हुए कंबल ओढ़ के घी खाने वाली इस देशद्रोही छत्तीसगढ़ चीनी नेक्सस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ को कम से कम चीन की गुलामी करने से बचाया जा सके। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को आप सुन रहे थे। कई बड़े खुलासे करते हुए वह आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चीनी कंपनी को संरक्षण देने के आरोप अमित जोगी ने लगाए हैं। अमित जोगी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में चीनी कंपनी की भागीदारी है। छत्तीसगढ़ का पैसा चीन की सेना तक पहुंच रहा है। केंद्र और राज्य ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। कुल मिलाकर आप देखिए, इस वक्त छत्तीसगढ़ में
क्योंकि एक सीट ऐसी है जहां पर उपचुनाव भी होना है, मरवाही सीट है। अमित जोगी के पिता छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन से वो सीट खाली हुई है और लगातार अमित जोगी अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रयास तो यही किए जा रहे हैं। और इस वक्त चलिए हम रुक करेंगे खबर पर, ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राजेंद्र तिवारी जी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, चीनी मसला तो अलग है जिससे देश की सेना लड़ रही है, लेकिन जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी की सरकार पर, राष्ट्रीय दलों के संरक्षण में प्रदेश चीन का गुलाम बन रहा है, क्या कहेंगे आप? दीपक जी, सबसे पहले ये बताएं कि ये आरोप छत्तीसगढ़ की सरकार पर लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार पर लगा रहे हैं, पहले तो मुझे जानने की ये जिज्ञासा है। या दोनों सरकार पर लगा रहे हैं? केंद्र और राज्यों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, छत्तीसगढ़ का पैसा चीन की सेना तक पहुंच रहा है और छत्तीसगढ़ में चीनी कंपनी की भागीदारी है। अच्छा, भारत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर उन्होंने आरोप लगाया है दीपक जी, आपके कहने का आशय ये है जी। हाँ, तो मुझको अमित जोगी जी की पूरी बात बेहद हास्यास्पद लगती है जी। वो जब भी बोलते हैं कुछ ना कुछ मनोरंजन का पुट उसमें रहता है जी। गंभीर राजनेता का परिचय देना चाहिए उनको और इस तरह से छिछले स्तर की बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों बोलते हैं, तो फिर समझ में आता है कि चुनाव सामने है मरवाही के और अपने आप को प्रचारित करने के लिए वो इस तरह का प्रपंच रचते रहते हैं। अब इन सारे तथ्यों में किसी भी प्रकार का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखाई देता, केवल और केवल हास्यास्पद बात है। और मैं सिरे से खारिज करता हूँ उनकी इस बात को कि राज्य सरकार किसी प्रकार का संरक्षण दे रही है। राज्य सरकार अपने दायित्वों के प्रति पूरी तरह से जागरूक है और हम इस समय जब भयंकर संक्रमण का दौर चल रहा है और उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, तो हमारा सारा ध्यान इस बात पर है कि हमारे लोग किस तरह से सुरक्षित रहें और किस तरह से यहाँ आर्थिक गतिविधियां वैसा सत्यानाश न होने पाए जैसे कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है जी। तो पूरा ध्यान भूपेश बघेल जी का इस दिशा में है। अब ये कहां से इन्होंने शिगुफा छोड़ दिया है जिसका ना सिर है ना पैर है जी। शुद्ध रूप से मरवाही का चुनाव उनको सामने दिख रहा है और किसी तरह से वो चर्चा में खबरों में रहना चाहते हैं। अगर मान लीजिए चीनी कंपनी की किसी तरह से कोई दखल है, कुछ बात है, यदि शब्द मैं काल्पनिक सवाल खड़ा कर रहा हूँ, तो भारत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये दायित्व तो भारत सरकार का है, उनकी अपनी खुफिया एजेंसी है, उनके अपने सूचना तंत्र है और उनकी अपनी ये इन सारे मामलों को लेकर के कार्यप्रणाली है। अगर इस तथ्य में रंच मात्र भी कोई सच्चाई है तो भारत सरकार जांच करे। हाँ, एक बात ठीक है कि पनामा से यहाँ के तार जुड़े हुए हैं और हम लोग समय समय पर इस बात को पूरी तरह से कहते रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी के चिरंजीव अभिषेक का उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, उनकी संलग्नता है। चलिए, वो एक अलग मसला है। कुल मिलाकर राजेंद्र जी, आप अमित जोगी के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, डिनाई करते हैं हंसी के साथ कि राज्य सरकार किसी प्रकार का संरक्षण दे रही है। राज्य सरकार काहे के लिए संरक्षण देगी चीनी कंपनी को जिससे चीन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, बहुत 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 मैं शुक्रिया धन्यवाद करूंगा राजेंद्र तिवारी जी हमसे बातचीत करने के लिए। राजेंद्र तिवारी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े और वो इसे हास्यास्पद बयान बता रहे हैं कि अमित जोगी जो आरोप लगा रहे हैं वो उसमें कोई दम नहीं है, बेबुनियाद बात कर रहे हैं अमित जोगी।